ये क्या किया ब्रॉनी, ये हम केक यहाँ पे ये सेटिंग हो रही है, और ये देखें, ये देखो गंदी औरत, गंदी लड़कियां। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम लोग भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। तो आज है जी मेरी बर्थडे, वैसे तो मेरी बर्थडे 5 मार्च को है, लेकिन हम लोगों ने पहले सेलिब्रेट की थी। वो क्यों पहले सेलिब्रेट की थी तो वो जानने के लिए आप मेरे दूसरे चैनल पर जाएं, रिदा फुज़ैल पर, उस पर मैंने कम्प्लीट अपना बर्थडे का ब्लॉग अपलोड किया है, और वहाँ पे मैंने आपको बताया कि हमें क्या वजह थी कि हमें पहले बर्थडे सेलिब्रेट करनी पड़ी, और ये था मेरा बर्थडे केक जिसकी वजह से हम बहुत जलील हुए। इसकी भी अच्छी खासी स्टोरी है, तो जाएं और जाके मेरा बर्थडे व्लॉग लाजमी देखें। दूसरे चैनल पे अपने व्लॉग्स अपलोड करती हूँ, और यहाँ फुज़ैल ने मुझे दिया था बुके और हम लोगों ने केक कट किया, और डिनर में था हमारा बारबेक्यू। तो जी हम लोगों ने अभी खाना खा लिया है, बारबेक्यू खा लिया है, अब केक हम लोग खाएंगे। कट तो पहले ही कर लिया था, और अब मैं बहुत थक गई हूँ। इस टाइम मैं आपको लग नहीं रही होंगी, लेकिन इतनी 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 थक गई हूँ ना, बस मैं आपको बता नहीं सकती। जी मामा, अलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अब जैसे ही मैंने गेट ओपन किया ना, तो बाहर हमारा बेबी वेट कर रहा था, कैस्पर। अच्छा, मैंने ना इसका नाम कैस्पर सोचा है, तो आप बताएं कैसे। और मैं इसको ना आदत डाल रही हूँ इसके नाम की, सुबह से मैं इसको बार बार कैस्पर कैस्पर बुला रही हूँ। अच्छा, कैस्पर बोलूँ ना तो इधर उधर देखने लग जाते हैं कि इसको बुला रहे, कैस्पर। अब देखना मैं इसको बुलाती हूँ, कैस्पर कैस्पर, जाता है कि नहीं, मुझसे डर रहा है, कैस्पर। अच्छा आ जाओ, मैं पीछे हो जाती हूँ, आ जाओ कैस्पर। देखें देखें देखें, घर के अंदर जा रहे बिस्किट्स लेने, वो गाड़ी के नीचे खड़ा है कैस्पर। और अभी है ये नेक्स्ट डे, मैं आई थी मम्मा के घर, क्योंकि मम्मा को और सिस्टर को लेकर मैंने जाना था बाजार, और मेरी बर्थडे पे मुझे जो कैश मिला था, क्योंकि मुझे गिफ्ट्स जो है ना मुझे ज़्यादा नहीं मिलते, मुझे पैसे दे देते हैं सब, ताकि मैं अपनी पसंद से जो मैंने लेना हो ले लूं। तो मैं यहाँ पे मम्मा और निदा को लेने आई थी कि आओ भाई हम साथ चलते हैं, और मैं अपने लिए कोई गिफ्ट बाय करके आती हूँ, तो वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि मैंने क्या लिया। देखो जुबान कैसे, बगी जी खाना खाओ, ये देखो खाना खाओगे बगी जी, बगी खाना खाओगे, जुबान फेरो बगी जी। अरे मुझे इतनी ज्यादा भूख लगी है, अभी हम घर से निकलने लगे थे, वो रो रहा है, मामा वो इतना जोर देके कह रहा है कि मुझे इतनी भूख लगी है। ये देखे मैंने फुल जूम किया, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। पता नहीं क्या है, इतना रो, मुंह पूरा खोल के रो रहा है। कैस्पर कैस्पर, चलो ले आओ, जब मैं कैस्पर कहती हूँ ना, बड़ा हो रहा है ना, अब कैस्पर कहती है तो क्या, कैस्पर का खाना आ गया, आ गया, वो एक्साइटमेंट दिखो, पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, हम लोग भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। व्लॉग का स्टार्ट करते हैं, अगेन रात से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि सारा दिन बहुत बिजी थी मैं, तो एक मैं हूँ और इतने मैंने एक अकेले के काम होते हैं, हर चीज़ देखनी होती है, जिस वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो व्लॉग का स्टार्ट करते हैं, और आपको जो थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ होंगी वो आपको मैं दिखाती रहूँगी। तो मेरा जो दूसरा चैनल है रिदा फुज़ैल ना, मेरे ही नेम से है वो चैनल, तो उसके ऊपर भी अब मैंने वीडियोस अपलोड करनी स्टार्ट कर दी हैं, तो
तो वहाँ भी जाया करें, वहाँ पे भी व्लॉग की फॉर्म में मैं वीडियो अपलोड करती हूँ और जो थोड़ी बहुत रेसिपीज शेयर करनी होती है वो भी कर देती हूँ। तो जाके देखिएगा, आपको वहाँ पे भी बहुत आप इन्जॉय करेंगे व्लॉग को। और कल मैंने डेट्स के लड्डू की रेसिपी अपलोड की थी, वो आप लोगों ने, जिन लोगों ने नहीं देखी तो वो भी जाके देखें, बहुत ईजी, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी थी। और साशा को इतनी खुशी मिल रही है ना, मैं आपको दिखाती हूँ अभी साशा क्या कर रही है। इतनी खुश क्यों हो चिची? और सब बॉल के लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं। अभी अभी हमारा न्यू स्टॉक आ चुका है और माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी कोई प्यारी चीज़ें हैं ना, कल के व्लॉग में मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी जो चीज़ें ओपन करने वाली हैं, पैकिंग वगैरह ओपन करके ना सेट करके दिखाऊंगी। नुई को देखें, इतनी प्यारी चीज़ें ना कि मेरा दिल खुश हो गया है। एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, फुजैल वो वाला मुझे बाउल एक मिनट ला के देना, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, मेरा फेवरेट बाउल। मुझे दिखाओ उसकी, मैं ज़रा क्वालिटी आपको दिखाती हूँ। नहीं आपको पता ही नहीं चला, फेंक भी दिया। अभी देखना शार्ले आएगा भागता हुआ। नहीं आपको पता ही नहीं चलता। ओ वो अंदर चली गई, शार्ले को मिली नहीं। ओ बच्चों की हॉट बॉट शार्ले, इससे तो ये लोग नहीं खेल सकते। ये माय नेबर्स के बच्चे खेलते हैं, उनकी बॉल अंदर आ जाती है। वाह जी वाह शार्ले, आप उसको कैसे खेलोगे? बीच में ना इनको टेबल तंग करती है। टेबल नहीं होनी चाहिए शार्ले। हाय अभी उसके मुंह पे लग जाती। और टेडो पकड़ लेगी पहले उसको, टेडो। ओ बगी ने ले ली, मिस्टर बगी। ओ मैं बगी को देखो पिछली टांगों के साथ क्या करता है। देखो खेल रहा है ना बगी जी। मोटी नूर कैसे खड़ी है लॉन्च की तरह। अब ये ना बगी जी, ओ बगी आप बॉल के ऊपर पाँव रख के खड़े हो गए हो, बाकियों को खेलने नहीं दे रहे हो। बगी बगीरा, मिसेस को भी वो बैठकर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। मफिन ये देखें जी, ये आपको मैं एक चीज़ आज दिखा रही हूँ, बाकी की मैं कल आपको इंशाल्लाह ताला हर चीज़ डिटेल में दिखाऊंगी वीडियो में, ताकि आपने जब ऑर्डर प्लेस करना हो ना तो आपके लिए इजी हो जाए, आपको पता हो कि क्वालिटी है कैसी। ठीक है, ये क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, ये आपको साइज बहुत ही बड़ा है। अच्छा ये मैं आपको अपने हाथ, मेरा हाथ देखें, मेरी हथेली देखें और इसका साइज देखें, मेरा हाथ देखें, मेरा हाथ कितना बड़ा है, मेरे हाथ से भी बड़ा है ये। वीडियो में ना अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कि कितने बड़े साइज का बाउल है, फुल एक्स्ट्रा लार्ज। इतने बड़े साइज का माशाल्लाह से इतना क्यूट बाउल है, ये कैट बनी हुई है और आगे यहाँ पे चाइनीज में इसके कुछ लिखा हुआ है गोल्डन कलर का। इसमें तीन कलर्स अवेलेबल हैं, एक ये ब्राउन सा है लाइट ब्राउन, एक ये ग्रीन बहुत प्यारा है और एक व्हाइट वाला भी है। व्हाइट दिखाओ, ये इम्पोर्टेड स्टॉक होता है, खत्म हो जाता है, जिस चीज ने बाय करना है यहाँ से पिक्चर लेके हमें करो ना, व्हाट्सएप कर दें। थोड़ा सा दूर करो, मेरे कैमरे में पूरा ही नहीं आ रहा। फ़ौरन से इसको ऑर्डर दे दें, क्योंकि ये इम्पोर्टेड चीज़ें होती हैं, बाहर से आती हैं चाइना से, तो एक तो इनकी शिपमेंट में काफ़ी टाइम लग जाता है और फिर ये ज़रा लिमिटेड स्टॉक होता है ना, तो फिर ख़त्म भी जल्दी हो जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। अगर आपने आज ही ऑर्डर करने हैं तो पिक्चर लेके हाँ, अगर किसी ने ऑर्डर करना है ना और पसंद आ गए और रिजर्व करवाना चाह रहे हैं, भी बड़ा है, देख लें मफिन का मुंह और इसका साइज देखें। ये देखें आप, आइडिया हो रहा है। ये देखें जी, ये शार्ले के लिए लगता है ये तो बना हुआ है ना शार्ले, ये देखो बना मफिन के लिए बना हुआ है। हाँ मफिन भी गोल्डन और वाइट है। बग्गी बग्गी जी ये लो आपका खाना। बड़ी मुझे ना चीज़ें पसंद आई हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है, जो चीज़ मैं दिखा रही हूँ आपको ऐसी ही चीज़ मिलेगी। मैंने सोचा आपको दिखा दूँ, डिटेल वीडियो में दिखाऊंगी ना, ताकि जब ऑर्डर आपने देना होगा आपको आइडिया होगा कि हम क्या चीज़ मंगवा रहे हैं और हमें क्या मिलेगी।
और बड़ा ही इकोनॉमिकल है आपको, सिर्फ और सिर्फ 700 का इतना बड़े साइज में मिलेगा। और इन बाउल्स के ये जो नीचे इसकी जो फोर साइड्स है ना इसके इसके यहाँ पे इसके जो पाऊ बने हुए हैं इस जगह पे लगाने के लिए, ये देखें ये प्लास्टिक्स की भी दी हुई है, छोटी छोटी सी ये लेग्स की अटैचमेंट्स हैं, ये साथ ही नीचे टेप लगाई हुई है, तो ये जब आप बाय करेंगे ना तो इसको खोल के इसमें लगा लेंगे, ये प्लास्टिक के यहाँ पे लगेंगे, एडजस्टमेंट्स होंगी, ये इनके साथ ही मिलेगी, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के माशाल्लाह, बहुत प्यारे। मफिन ना इतना पागल है, मफिन मैं खा रही थी अभी वो डेट्स वाले लड्डू खा रही थी तो वो मीठे मीठे हैं और मफिन इतना उसके लिए क्रेज़ी हो रहा था, मफिन समझ रहा था ये सच में मैं कोई मिठाई खा रही हूँ, हालांकि कैट्स फ्रूट्स कभी नहीं खाती, वैसे कभी ये डेट्स नहीं खाएगा, लेकिन वो लड्डू को मिठाई समझ के ना पागलों की तरह खाने पे लगा हुआ था। स्कूबी क्यों मार रहे हो शार्ली को, आपको दिखाओ अभी क्या कर रहे हैं। स्कूबी आपको उसने क्या बोला है, शार्ली ने इतनी नफरत क्यों कर रहे हो उससे, बात तो सुनो मेरी, मफिन को नहीं कुछ कहता, मफिन उसको गुस्सा ठंडा करने आया है। हाँ जी, मफिन उसको गुस्सा ठंडा किया कि रिलैक्स हो जाओ। देखो अपने आप दोनों की एक दूसरे के साथ दोस्ती है ना, एक दूसरे को कुछ नहीं कहते हैं। अब शार्ले ने फिर बाहर जाना होगा, इस लड़के को ना मैं मम्मा के घर नहीं लेके जाती, मम्मा वगैरह मेरी मिनते करते हैं कि इसको ले आया करो, क्यों नहीं लेके जाती, मैं आपको भी बताती हूँ जरा इसके कारनामे। ये मम्मा के घर जाके इतना खुश हो जाता है, उनका घर ना ज़रा ओपन है ना, वो गैरेज वगैरह में कैट्स जाती रहती हैं, ये इतना खुश हो जाता है उनके घर, जब भी मैं इसको लेके गई हूँ ना, मैं इसको 3-4 दफ़ा लेके गई हूँ मम्मा के घर, जाके उनकी पेटियों के नीचे घुस जाएगा, स्टोर में जाके पता नहीं कहाँ कहाँ छुप जाता है, निकलता ही नहीं है बाहर, ज़िद करता है लेट जाता है कि मैंने तो जाना ही नहीं है, इतना ज़्यादा ये लड़का ज़िद करता है ना, इस वजह से ना फिर मैं इसको मम्मा के घर नहीं लेके जाती, हालांकि मेरा भाई कहता है दीदी प्लीज़ इसको 1-2 दिन के लिए हमारे घर छोड़ दो। अब फुज़ैल को देख रहा है, फुज़ैल ने अब बाहर जाना है तो फुज़ैल को देख रहा है कि मैं भी जाऊँगा। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।